आज हम बनाएंगे साबुत हरी मूंग की सब्जी। इसे बनाना ना बहुत ही आसान है और ये सब्जी बहुत कम टाइम में बनके रेडी हो जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने मूंग को 4 से 5 घंटे पानी में भिगो लिया था और अच्छे से धो के साफ करके इसे मैंने कुकर में डाल दिया है और मूंग क्वांटिटी में 1 कप है। 2 टमाटर और 2 प्याज को मैंने बीच से कट करके कुकर में डाल दिया है। 3 हरी मिर्च, 6-7 लहसुन डाल देंगे, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ऑयल या घी डाल देंगे ताकि सीटी लगाते वक्त कुकर का पानी बाहर ना निकले। 1 से 1.5 कप के जितना पानी और डाल देंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें 4 से 5 सीटी आने देंगे। 4 से 5 सीटी आने के बाद हम कुकर का ढक्कन खोल लेंगे और इसे चेक कर लेंगे। और ये देखिए, मूंग हमारे अच्छे से पक चुके हैं और प्याज, टमाटर, हरी मिर्च भी अच्छे से गल चुके हैं। सबसे पहले हम टमाटर का जो छिलका है वो निकाल लेंगे। आपको सब्जियों की कोई ज़्यादा चॉपिंग नहीं करनी है, ये आसानी से इसमें गल जाते हैं, आप देख सकते हैं। टमाटर का छिलका निकालने के बाद हमें इसे स्पून से मिक्स कर देना है। यहाँ पर आपको ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी है, ये आसानी से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं, सब कुछ इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक सिंपल सा तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हम एक पैन में तेल गरम करेंगे। तेल की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल के गरम हो जाने के बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे, हींग डाल देंगे, 1 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, बारीक कटा हुआ ये लहसुन भी डाल देंगे और इन सबको हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और इन सबको थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें लास्ट में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसको भी तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तड़के को हम कुकर में डाल देंगे। तड़का कुकर में डालने के बाद थोड़ी देर के लिए कुकर का जो ढक्कन है उसे बंद कर देंगे और थोड़ी देर के बाद हम इस सब्जी को चेक कर लेंगे। और ये सब्जी हमारी बनके तैयार है, आप देख सकते हैं। ये टेस्टी के साथ हेल्दी भी है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।